हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। टाइगर श्रॉफ के साथ आज के टाइम में हर एक एक्ट्रेस काम करना चाहती है। फिलहाल एक्टर के पास एक से बढ़कर एक फिल्में हैं जिन पर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक जानी मानी एक्ट्रेस ने टाइगर के फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फिल्म गणपत का ऐलान हुआ था और इस फिल्म में नोरा फतेही को लेकर भी चर्चा थी। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि भाई नोरा फतेही भी टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर काम करने जा रही है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई नोरा फतेही ने गणपत फिल्म को ठुकरा दिया है, वो इस फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगी। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो नोरा फतेही ने इस फिल्म को शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया था और जब उन्हें अप्रोच करने की बात चली थी कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई वो अपने किरदार के लेंथ से सहमत नहीं थी, क्योंकि सालों की मेहनत स्ट्रगल के बाद नोरा फतेही ने इंडस्ट्री में एक खासी जगह अब बना ली है। अब ऐसे में वो अपने आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को सोच समझ कर ही साइन कर रही हैं। अब गणपत फिल्म में जो रोल उन्हें ऑफर हुआ था उसके लिए वो खुद को फिट नहीं मानती है। अब उन्हें लगता है कि भाई वो उस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने काफी समय पहले ही इस फिल्म को ठुकरा दिया था। खैर, नोरा के रिजेक्ट करने के बाद अब इस फिल्म में दूसरी फीमेल लीड एक्ट्रेस के तौर पर कौन नजर आएगा फिलहाल इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे इस फिल्म में टाइगर के अलावा कृति सेनन भी नजर आएंगी जो कि फिल्म में टाइगर के साथ रोमांस करती हुई दिखेंगी। ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है जिसमें टाइगर एक बॉक्सर के रोल में नजर आएंगी। बात करें नोरा फतेही की तो जल्द ही वो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आने वाली है और इस फिल्म में वो संजय दत्त, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आएंगी। ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बात करें टाइगर की तो फिलहाल उनके पास कई फिल्में हैं और इन दिनों वो अपनी फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इसके बाद वो बागी 4 और रैम्बो जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमेशा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।